कर वास्तुशास्त्र पार्ट टू पुस्तक से मैं आपके सामने आज पुनः आरंभ कर रहा हूँ। पार्ट टू विद्यासागर पुस्तक जो मैंने अभी लिखी है लॉकडाउन शटडाउन के समय। मैं हूँ नंद किशोर जोशी का, सभी का, सारे श्रोताओं का स्वागत है। वास्तुशास्त्र पार्ट टू में आज मैं आरंभ कर रहा हूँ नियम और सतर्कता मतलब सावधानी। इसके अंतर्गत मैं अभी बोल रहा हूँ वास्तुशास्त्र में घर की स्थिति, आकृति और दिशा, वहाँ रह रहे परिवार के भाग्य और भविष्य को प्रभावित करता है। उसी तरह वही व्यवहार में लाने वाली वस्तुएं, द्रव्य और फर्नीचर तथा उनके स्थान का भी प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में। इसलिए इन सब बातों पर गौर करना चाहिए तथा परिवार के भले के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र में कुछ वर्जनीय काम और चलन को बदलना चाहिए, मतलब कुछ काम को जो इसके बारे में है जो जरूरत नहीं है उस काम को बदलना चाहिए। एक, रसोई घर में भारी सामान दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। दो, बड़े आकार का धातु निर्मित वस्तु के लिए उपरयुक्त स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोना है। तीन, शंख मग मंगलकारक होता है, अतः उसे हमेशा ठाकुर घर में रखना चाहिए। चार, एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और रात्रि के समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, इससे पाप लगता है। पाँच, एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें नींबू रखें एवं प्रत्येक शनिवार के दिन पानी और नींबू बदल दीजिए। छः, संध्या और रात्रि समय घर में झाड़ू करने पर घर में शांति भंग की आशंका बनी रहती है। सात, अनेक लोग खाट में बैठकर खाते हैं, बेड पर बैठकर खाते हैं, यह सर्वथा वर्जनीय है, मतलब मना है वास्तुशास्त्र के दृष्टि से। इससे दुर्दिन अर्थात खराब दिन और दुर्भाग्य आता है। आठ, अनेक लोग ऐसे हैं कि वे रोज रोज बड़े बेड पर पैर रखकर बैठकर या सोकर टीवी देखते हैं, इसलिए ऐसे लोग बेडरूम में टीवी रखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में टीवी का कोई स्थान नहीं है। यह मन को बेचैन विचलित करता है एवं मानसिक विकार पैदा करता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भी यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट चैप्टर, वास्तुशास्त्र में मनी पर्स। मनी पर्स में के बारे में भी वास्तुशास्त्र में हमने लिखा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का फोटो अपने पर्स में रखना चाहिए, इससे लोगों के खर्च में नियंत्रण होता है। पॉइंट वाइज अब मैं बोल रहा हूँ। एक, मनी पर्स में खाद्य पदार्थ नहीं होना चाहिए, पवित्र चीज़ों को स्थान दे सकते हैं। दो, केरल के लोग वास्तुशास्त्र को खूब मानते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए दक्षिण भारत में वास्तुशास्त्र की खूब मानता है। वहाँ के लोग मनी पर्स में गाय के गोबर को रखते हैं, इसके द्वारा उनका मनी पर्स कभी खाली नहीं होता, ऐसा अनेकों का मत है। तीन, कभी भी फटे हुए पर्स को अपने पास न रखें, यह दरिद्रता की निशानी है। चार, अपने घर में पुरानी पर्स या बैग रहने से घर की आर्थिक स्थिति की ओर संकेत करती है, प्रभावित करती है, अतः इसे नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, किस चीज के लिए कौन सा स्थान। सब स्थानों के लिए भी वास्तुशास्त्र में जगह नियत है, स्थिर की हुई है। परिवार की समृद्धि, सुख, शांति सभी की कामना होती है, लेकिन ये सब के भाग्य में होती नहीं है। इसके लिए पारिवारिक सौहार्द, उत्तम मेल मिलाप, सामंजस्य, संस्कार, त्याग की अत्यंत जरूरत होती है। इन सब के बावजूद अनेक समय अनेक क्षेत्र में सुख, समृद्धि और शांति मिलती नहीं है। इसका कारण वास्तु दोष है, ऐसा वास्तुविदों का मानना है। उनके अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा जीवन प्रभावित होता है। उसी तरह
वास्तुशास्त्र में दर्शाया गया है कि कौन सी चीज या सामान, फर्नीचर वगैरह घर में कहाँ रखा जाए, उसको मानने से शुभकारी होता है, लाभकारी होता है। एक, घर के दक्षिण में पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए, इससे दाम्पत्य जीवन में झगड़ा होता है। नंबर दो, डाइनिंग टेबल घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम में ही रखें। नंबर तीन, बड़ी धातु वाली वस्तु या औजार दक्षिण पश्चिम में रखें एवं उत्तर दिशा का स्थान खाली रखें। नंबर चार, आलमारी के लॉकर में एक नारियल पीले रंग के कपड़े में लपेट कर रखें। नंबर पाँच, वर्ष में एक बार घर में नवग्रह पूजा और गणेश पूजा करें। नंबर छः, पितरों की फोटो घर के दक्षिण दिशा में टंगाएं। नंबर सात, पूरब दिशा में एक स्फुटिक कछुआ रखें। नंबर आठ, संध्या और रात्रि में घर में साफ सफाई झाड़ू पोछा बिल्कुल न करें। नंबर नौ, डाइनिंग टेबल पर हमेशा कुछ फल जरूर रखें। नेक्स्ट चैप्टर सकारात्मक शक्ति, इसके अंतर्गत वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ज्यादा रहता है, उस घर में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार को नानादि समस्या से जूझना पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र में इन्हें अनेक प्रतिबंधकों का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। चिंता और चेतना में नकारात्मकता दिखती है। कार्य में, चिंतन में और भावना में उत्साह नहीं दिखता। इसको दूर करने का उपाय वास्तुशास्त्र में है। एक, घर में पोंछा लगाने के समय पानी में थोड़ा नमक मिला दीजिए। नकारात्मकता शक्ति को पराजित करने की क्षमता नमक में है, अतएव वास्तु दोष के प्रभाव को यह दूर कर सकता है। नंबर दो, झाड़ू लगाने के पश्चात गोमूत्र या गोफेनाइल से पोंछा लगा सकते हैं। यह वास्तु और स्वास्थ्य दोनों के लिए हितकारी है। नंबर तीन, रंगोली मंगलदायक होती है। यह नकारात्मक शक्ति प्रतिरोधक भी है। समय समय पर विशेषकर उत्सवों में मुख्य द्वार के सामने रंगोली करने से घर में सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। रंगोली मन और मस्तिष्क को स्थिर रखती है। नंबर चार, झूणा, कर्पूर, गुगुल, देसी घी और चंदन धुआं घर और वातावरण के लिए अत्यंत लाभकारी है। अतएव सुबह और संध्या समय इसकी धुआं नियमित देने से घर में सकारात्मक शक्ति का विकास होता है। इसके साथ साथ यह मन को भी शांति देता है। नंबर पाँच, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक की चिन्ह या गणेश जी के फोटो या चित्र लगाने से वास्तु दोष दूर होता है तथा कुप्रभाव भी दूर होता है। नेक्स्ट चैप्टर घर के लिए वास्तु के नियम, घर को साफ सुथरा रखना जितना जरूरी है, वास्तु के अनुसार उसकी सजावट भी उतनी ही जरूरी है। वास्तुशास्त्र में प्रत्येक वस्तु और फर्नीचर इत्यादि के लिए जगह निश्चित की गई है। उक्त निश्चित स्थान पर चीजें रहने से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है तथा घर के स्वामी एवं परिवार को सुखद फल मिलता है। इसमें उलट फेर होने से घर के स्वामी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है एवं नुकसान की संभावना बनी रहती है। अतएव घर की सजावट के पहले वास्तु के नियमों का अच्छी तरह से पालन करने के लिए वास्तुविदों की हमेशा राय रहती है। पॉइंट वाइज अब मैं बोल रहा हूँ। एक, घर की छत पर ईशान कोण को हमेशा साफ रखें एवं वहाँ तुलसी के पौधे या गमले में तुलसी के पौधे को रखें। प्रत्येक दिन इसकी देखभाल करें तथा सुबह और संध्या यहाँ दीपक जलाएं। नंबर दो, टेलीविजन को उत्तर या पूरब की दीवार पर रखें। नंबर तीन, किताबों का सेल्फ भारी अलमीरा पश्चिमी दीवार पर सटाकर रखें।
नंबर 4, दक्षिण दिशा में गाढ़े रंग का पर्दा लगाएं। नंबर 5, शुक्रवार दिन फूलदानी में सुगंधित फूल रखें। नंबर 6, घर के मुख्य द्वार पर अंदर और बाहर दोनों ओर हरे रंग की गणेश मूर्ति या फोटो विराजमान कराएं, यह घर के लिए अत्यंत शुभदायक है। नंबर 7, घर के पूरब में वास्तु दोष होने पर मुख्य द्वार पर सूर्य यंत्र लगाएं। नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर, घर का आभा मंडल। वास्तु शास्त्र के अनुसार हम सभी का अपना आभा मंडल है। व्यक्ति का विचार, आचरण, व्यवहार के अनुसार आभा मंडल सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। यह परिवार और समाज में हमारी व्यक्तित्व का भला बुरा प्रदर्शित करती है। ठीक इसी हिसाब से घर की भी आभा मंडल होती है। यह नकारात्मक होने से परिवार को अशुभ फल प्रदान करती है। वास्तु शास्त्र में इसका प्रतिकार निहित है। 1, घर का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम या पश्चिमी दिशा में होने पर दरवाजे पर बाहर की तरफ एक घोड़े की नाल लगानी चाहिए। नंबर 2, व्यवहार पश्चात झाड़ू को हमेशा नजर से दूर रखें। नंबर 3, घर की पूरब दिशा में एक नमक से भरी हुई मिट्टी का पात्र रखें। नंबर 4, नियमित तौर पर घर की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कराएं। नंबर 5, घर को यथासंभव प्राकृतिक रूप दें। आसपास में शौकीन लता या फूल के पौधे लगाएं। स्थान होने पर घर के चारों ओर फलों के पौधे भी लगा सकते हैं। नंबर 6, घर की दीवार फटी हुई है तो उसको यथाशीघ्र मरम्मत करें। नंबर 7, घर के बगीचे में या घर के आसपास सूखे पेड़ को न रखें। पेड़ में अगर कोई डाली सूख गई है तो उसे काट डालें। नंबर 8, मुख्य द्वार में अगर सीढ़ी टूट गई है तो उसकी मरम्मत तुरंत करें। नंबर 9, घर के पास विशेषकर मुख्य द्वार के पास अगर कोई कांटेदार पेड़ है तो उसे तुरंत काट दें। नंबर 10, बाहर या अंदर किसी भी दीवार से अगर प्लास्टर निकल गया है तो उसे तुरंत प्लास्टर करें। नेक्स्ट चैप्टर, वास्तु शास्त्र में शौचालय का स्थान। ये नया चैप्टर है इस नई किताब में। घर के पश्चिम भाग में शौचालय निर्माण होना चाहिए। यह कभी भी वास्तु भूमि के मध्य भाग में नहीं करना चाहिए। यदि वास्तु भूमि के मध्य भाग या नाभि केंद्र के बगल में हो तो शरीर में पेट रोग हो सकता है और मानसिक अशांति भी हो सकती है। दक्षिण पूर्व या आग्नेय कोण, दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में अगर शौचालय करते हैं तो अग्नि कोण को छोड़ दक्षिण दिशा में एवं नैऋत्य कोण को छोड़कर पश्चिम दिशा में करना चाहिए। दक्षिण में कभी भी सेप्टिक टैंक या मैले की टंकी या कोई भी गड्ढा न रखें। शौचालय की चट्टान घर के चट्टान से 1 फुट ऊंची होनी चाहिए। दरवाजे की विपरीत दिशा में चट्टान ढलान की तरह होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार शयन कक्ष के साथ संलग्न शौचालय और स्नानागार उत्तर पश्चिम के कोने या वायव्य कोने में या पश्चिमी भाग में होना उचित है। अग्नि कोण में शौचालय निर्माण होने से मुंह में कैंसर होने की संभावना है। अतः कभी भी अग्नि कोण में शौचालय नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व ईशान कोण में शौचालय निर्माण होने से परिवार के सदस्य मानसिक रोग भोगने के साथ रक्तचाप, कैंसर जैसे रोगों से आक्रांत होने की संभावना रहती है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है।
शौचालय में पैन पर बैठने की स्थिति उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। पूर्व पश्चिम में बैठकर मुंह कर मल त्याग करने पर मानसिक अशांति, पेट रोग होने की संभावना रहती है। पश्चिम की तरफ मुंह कर मल त्याग करने पर शरीर में असाध्य रोग होने की संभावना बनी रहती है एवं घुटनों में, जोड़ों में दर्द बराबर रहता है, जो ठीक होना मुश्किल है। उत्तर या दक्षिण की ओर मुंह कर मल त्याग करने से आयु में वृद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है। पूजा घर, रसोई घर, भोजन स्थान से शौचालय को दूर रखना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। घर के मुख्य द्वार के बाहर शौचालय कभी नहीं बनाना चाहिए। घर के बाहर पश्चिम में शौचालय निर्माण करना चाहिए। घर की दीवार या बाउंड्री को शौचालय की टंकी या शौचालय अगर स्पर्श करे तो कुछ समय पश्चात घर के स्वामी को घर का त्याग करना पड़ सकता है। मेजे की टंकी स्थिति दीवार से 2 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। मेजे की टंकी लंबाई पूर्व पश्चिम भाग में तथा उत्तर दक्षिण भाग में चौड़ाई रहना उचित है। इस टंकी का जल उत्तर पूर्व की ओर निष्कासित होना चाहिए। घर का वास्तु अगर ठीक है तो कभी भी जन्मपत्री जनित अशुभ ग्रह का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।